सो हेलो गाइस, मेरा नाम है निर्मल और आप देख रहे हैं निर्मल्स बेस्ट टेक। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के फ़ोन्स ऑफलाइन मार्केट में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बहुत पहले से कि सैमसंग के फ़ोन्स के ऊपर भी वीडियो बनाओ, लेकिन टाइम इसलिए लग गया क्योंकि ज़्यादा फ़ोन्स ऑफलाइन में देखने को नहीं मिलते, तो मैंने थोड़ा टाइम लिया कहाँ पर ज़्यादा मिल सकते। तो फिर मैं आया हूँ यहाँ पे जो मैं आपको शॉप दिखाने वाला हूँ वहाँ पे, और मैंने एक दो जगह और ट्राई किया था लेकिन सिमिलर से ही फ़ोन थे, ज़्यादा फ़ोन नहीं थे। तो 18-19 हज़ार तक की रेंज में आपको फ़ोन देखने को मिल जाएंगे सैमसंग के। जो भी फ़ोन्स होंगे मैं सारे बता दूंगा, ऑफलाइन प्राइसेस भी बताऊंगा। तो अभी मैं आपको कैमरा स्विच करके बता देता हूं कि शॉप कौन सी होने वाली है, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो। तो मैं आपको कैमरा स्विच करके बता देता हूं। आप देख सकते हैं ये रही शॉप सत्यम मोबाइल कम्युनिकेशन। आज मैं यहीं पर वीडियो बनाने वाला हूँ, जो भी फ़ोन्स होंगे सारे मैं आपको बताऊँगा। तो गाइज अंदर चलते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से फ़ोन्स आपको देखने को मिलने वाले हैं सैमसंग की तरफ से। तो ये रही शॉप, आप तो देख सकते हैं सत्य मोबाइल कम्युनिकेशन, अंदर जाते हैं। सो गाइज हम शॉप के ओनर हैं, भैया उनसे बात कर लेते हैं। भैया सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए व्यूअर्स को। नाम लोकेंद्र सिंह ठाकुर। और भैया शॉप का एड्रेस और शॉप का नाम भी बता दीजिए व्यूअर्स को। भैया शॉप का नाम सत्यम कम्युनिकेशन है और पता है अपना बस स्टैंड चौराहा विदिशा रोड बैरसिया। और ठीक है भैया, आप भैया से बोल दीजिए कि वो हमें सैमसंग के फ़ोन्स जो भी अवेलेबल हैं शॉप्स पर वो आपको दिखा दें, मतलब व्यूअर्स को दिखा दें। हाँ भैया मैं बोल देता हूँ, मोहित मोबाइल दिखा देगा सैमसंग के। और सैमसंग में अभी नए में ये है कि सैमसंग का फाइनेंस भी, पर्सनल फाइनेंस भी चालू हो गया। तो सैमसंग के मॉडलों पे जिसकी सिविल नहीं है या जो पहली बार मोबाइल ले रहा है वो सब लोग सैमसंग के फाइनेंस से फाइनेंस करा सकते हैं मोबाइल। तो गाइस भैया ने आपको थोड़ा सैमसंग के फाइनेंस के बारे में बता दिया, अगर आपको सैमसंग से फाइनेंस कराना है तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा शॉप पर। तो अभी हम अंदर चलते हैं और भैया से बात कर लेते हैं जो भैया हमें फ़ोन दिखाने वाले हैं अभी। तो भैया सबसे पहले अपना आप नाम बता दीजिए व्यूअर्स को, जो कि रियलमी के एडवाइज़र हैं भैया, आपको शायद पता होगा अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी। तो भैया नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मोहित कुशवाहा है, रियलमी का रियल एडवाइज़र हूँ। भैया आज हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं आप एक बार बता दीजिए व्यूअर्स को। आज हम सैमसंग पर वीडियो बनाने वाले हैं। तो ठीक है भैया, आज हम देख लेते हैं तो कौन कौन से फ़ोन अवेलेबल होते हैं शॉप पर सैमसंग की तरफ से। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं सबसे जो कम बजट में फ़ोन आपको देखने को मिलेगा उससे। सबसे पहले दिखाना चाहूँगा आपको सैमसंग गैलेक्सी A03 Core। इसमें 2 GB रैम है, इसकी 32 GB इंटरनल मेमोरी है, 2/32। सो गाइस सबसे पहला जो फ़ोन है सैमसंग की तरफ से हमें मिलता है सैमसंग का A03 Core, जो कि आपको बजट रेंज में देखने को मिलेगा। ये फ़ोन उन लोगों के लिए जो अगर अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना चाहें उनको कर सकते हैं, तो उनके लिए काफ़ी सही रहेगा। और HD+ डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, 5000 mAh इसकी बैटरी है। और भैया से इसका हम एक बार रैम और प्राइस पूछ लेते हैं कि कितना होने वाला है ऑफलाइन मार्केट में। इसका प्राइस अपना 8000 रुपये, सैमसंग गैलेक्सी A03 Core। इसमें 2 GB रैम है, 32 GB इंटरनल है, इसका प्राइस है अपना 8000 रुपये। तो गाइस पहला फ़ोन था हमारा सैमसंग का A03 Core, इसका प्राइस 8000 रुपये ऑफलाइन मार्केट में, 2 GB 32 GB वाला वेरिएंट। तो अभी नेक्स्ट फ़ोन देख लेते हैं कौन सा होने वाला है। इसके बाद दिखाना चाहूँगा मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी A03S, इसमें 3 GB रैम है, इसकी 32 GB इंटरनल मेमोरी है। इसका एक 64 वेरियंट भी आता है सैमसंग गैलेक्सी A03S, बाकी 2 वेरियंट में आता है, 3/32 और 4/64। तो गाइस जो नेक्स्ट फ़ोन है हमारा वो है सैमसंग का A03S, जो अभी लास्ट देखा था वो A03 Core था। तो इसके बाद आपको मैं इसके थोड़े से फीचर बता देता हूँ जो कि बॉक्स पर मेंशन किए हैं कंपनी ने। तो 5000 mAh की बैटरी है और 13+2+2 का आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, और 5 MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। बाकी इन दोनों में रैम का फ़र्क है, दोनों में एक में 3 GB है, एक में 4 GB है। तो इसका हम दोनों का प्राइस पूछ लेते हैं कि दोनों का प्राइस क्या होने वाला है। सैमसंग गैलेक्सी A03S 3 GB का प्राइस आएगा अपना 11000 रुपये, और इसी का एक 4 GB वेरियंट आता है, इसका प्राइस आएगा अपना 12500 रुपये,
बाकी दो वेरिएंट में आता है, 3 GB और प्लस 4 GB, दो वेरिएंट में फ़ोन दिया है कंपनी ने। तो गाइज भैया ने दोनों वेरिएंट का आपको प्राइस बता दिया है, अभी हम नेक्स्ट फ़ोन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट फ़ोन कौन सा होने वाला है? इसके बाद दिखाऊंगा आपको सैमसंग गैलेक्सी F12 एफ सीरीज दिखा रहा हूँ मैं। इसमें 4 GB रैम है, 64 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है, एफ सीरीज है ये। सो गाइज हम नेक्स्ट फ़ोन की तरफ चलते हैं, सैमसंग की जो एफ सीरीज़ में फ़ोन आता है F12, ये वाला है 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट। और अभी मैं इसका आपको थोड़े से फीचर्स बता देता हूँ जो कि बॉक्स पर मेंशन किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको कैमरा बता देता हूँ कि 48+5+2+2 के आपको 4 कैमरास पीछे देखने को मिल जाएंगे। 5 MP का आपको अल्ट्रा वाइड है और 8 MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सही फ़ोन है, अगर आपको इस बजट में फ़ोन लेना है सैमसंग का तो 6000 mAh की बैटरी का काफ़ी सही आपको बैटरी बैकअप दे देगी। तो ये है सैमसंग का F12 और इसका हम एक बार भैया से प्राइस पूछ लेते हैं वेरिएंट के साथ। तो इसका वेरिएंट भी बता देना भैया और इसका प्राइस भी बता देना। सैमसंग गैलेक्सी F12 इसमें 4 GB रैम है, 64 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है, इसका प्राइस है अपना 11,000 रुपये F12। तो गाइस ये था सैमसंग का F12 एफ सीरीज़ का फ़ोन, बजट कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सही फ़ोन है अगर आप इस बजट में लेना चाहते हैं। तो नेक्स्ट फ़ोन देख लेते हैं कौन सा होने वाला है, तो भैया नेक्स्ट फ़ोन बता दीजिए। इसके बाद दिखाना चाहूँगा आपको सैमसंग गैलेक्सी M12 M सीरीज़ का अच्छा फ़ोन है काफ़ी, ये M12 इसमें 4 GB रैम है, 64 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है। और M सीरीज़ में आपको ये बजट कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा, ये भी बहुत ही सिमिलर है F12 से। तो इसके मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ बॉक्स के पीछे जो मेंशन किए गए हैं। तो इसमें भी आपको 48+5+2+2 का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 8 का फ्रंट कैमरा है और जो आपको बैटरी है 6000 mAh की देखने को मिल जाएगी 15W फास्ट चार्जर के साथ। और इसमें भी आपको जो बी शेप का जो नॉच होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सैमसंग का M12 है एम सीरीज़ का जो बजट कैटेगरी में फ़ोन आता है। इसका हम प्राइस और रैम पूछ लेते हैं कितना होने वाला है। सैमसंग गैलेक्सी M12 इसमें 4 GB रैम है, 64 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है, इसका प्राइस अपना 12,000 रुपये M12। गाइस ये था सैमसंग का M12 और अगर आपको इस बजट में फ़ोन चाहिए तो F12 या M12 आप किसी भी फ़ोन की तरफ जा सकते हैं, दोनों बहुत सिमिलर हैं। तो अभी नेक्स्ट फ़ोन देख लेते हैं कौन सा होने वाला है सैमसंग की तरफ से। इसके बाद दिखाऊँगा मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज दिखाना चाहूँगा A12 628। इसके साथ ही साथ इस कंपनी ने इसका छोटा वेरिएंट भी आता है, बेस वेरिएंट, वो मिलेगा आपको 464। अब ये अभी आपको दिखाया मैंने 628 वेरिएंट है, बाकी इसका बेस वेरिएंट भी आता है 464 सैमसंग गैलेक्सी A12। बाकी ए सीरीज का काफ़ी अच्छा फ़ोन है A12। सो गाइस जो नेक्स्ट फ़ोन भैया ने हमें बताया वो है सैमसंग की जो ए सीरीज़ आती है उसकी तरफ से A12 है ये। और आपको भैया ने दोनों वेरिएंट जो भी हैं आपको दोनों दिखा दिए और मैं आपको उसके थोड़े से फीचर बता देता हूँ जो कि बॉक्स पर मेंशन है। तो 5000 mAh की बैटरी के साथ आपको 15W का चार्जर देखने को मिल जाएगा, 48 MP का आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें मेन कैमरा रहेगा 48 MP का और बाकी 5+2+2 का रहेगा 8 MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो फीचर जो बॉक्स पे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी भैया से दोनों वेरिएंट का हम प्राइस पूछ लेंगे कि दोनों वेरिएंट्स का प्राइस क्या है ऑफलाइन मार्केट में। सैमसंग गैलेक्सी A12 464 वाला वेरिएंट का प्राइस आएगा अपना 13,500 रुपये और इसका एक 628 वेरिएंट आता है उसका प्राइस आएगा आपको 15,500 रुपये। बाकी ए सीरीज का काफ़ी अच्छा फ़ोन है A12, कोई भी परचेस करना चाहे तो ए सीरीज A12 भी परचेस कर सकता है, काफ़ी अच्छी सीरीज है ए सीरीज भी। तो गाइज अगर आपको 15,000 के अंदर कोई ए सीरीज का फ़ोन चाहिए तो A12 आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं बेशक। तो अभी नेक्स्ट फ़ोन देख लेते हैं और जो फीचर्स हैं वो आप सैमसंग की तरफ से ही लेना क्योंकि सैमसंग के फ़ोन्स इस बजट में कैमरास बहुत अच्छे देता है। तो अभी नेक्स्ट फ़ोन देख लेते हैं कौन सा होने वाला है। इसके बाद दिखाऊंगा आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 यानी सैमसंग का गैलेक्सी सीरीज का काफ़ी अच्छा फ़ोन है M21 2021 एडिशनल, बाकी काफ़ी अच्छा फ़ोन है एम सीरीज का M21। तो गाइस जो नेक्स्ट फ़ोन भैया ने हमें बताया है वो है सैमसंग गैलेक्सी M21 जो कि काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ था अपने टाइम पे और अभी इसका 2021 मॉडल है एडिशन जो भैया के पास है अभी। और इसके मैं आपको फ़ीचर्स बता देता हूँ, बहुत सही फ़ोन है वैसे बजट के हिसाब से अगर आपको
सैमसंग की तरफ से चाहिए हो तो 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी 15W चार्जर के साथ। 48 MP का आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ और 48+8+5 MP का आपको कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो 20 MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। तो कैमरा वाइज बहुत सही फ़ोन है इस बजट में सैमसंग का। और इसका जो प्रोसेसर है एक्जिनोस 9611 आपको इसमें देखने को मिलता है। और भैया से इसका हम प्राइस पूछ लेंगे कि क्या होने वाला है इसका प्राइस। सैमसंग गैलेक्सी M21 यानी M21 464, बाकी M सीरीज़ का काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। इसका प्राइस आएगा अपना 12,500 रुपये M21। तो गाइस 12,500 रुपये है M21 का प्राइस ऑफलाइन मार्केट में फ़िलहाल 2021 मॉडल का। 464 वाला वेरिएंट था ये। अभी नेक्स्ट फ़ोन देख लेते हैं कौन सा होने वाला है। ये सारे फ़ोन दिखा दिए मैंने अभी तक। इसके बाद दिखाऊंगा अपना सैमसंग गैलेक्सी A22 5G। 5G का काफ़ी अच्छी सीरीज है 5G A22। इसमें 6GB रैम है, 128GB इसकी इंटरनल मेमोरी है। सो गाइस जो नेक्स्ट फ़ोन है हमारा वो है सैमसंग का A22 जो कि 5G मॉडल है। सैमसंग का इस बजट में आपको 5G फ़ोन देखने को मिलता है ये वाला। और मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ। तो इसमें आपको FHD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी है, 15W का चार्जर है और 48 MP का आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। TFT डिस्प्ले इसमें FHD+ रेजोल्यूशन के साथ। 8 MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। तो A22 अगर आप चाहिए आपको तो ये फ़ोन अवेलेबल हो जाता है ऑफलाइन मार्केट में। और भैया से इसका हम प्राइस पूछ लेंगे। वैसे 5G फ़ोन है ये, 5G फ़ोन अगर आपको चाहिए होगा तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो भैया इसका प्राइस और वेरिएंट बता दीजिए। सैमसंग गैलेक्सी A22 5G, 5G का काफ़ी अच्छा मॉडल है A22। अगर किसी को परचेज़ करना हो तो 5G का A22 परचेज कर सकता है। बाकी इसके 6GB रैम है इसमें, 128GB इसकी इंटरनल मेमोरी है। बाकी इसकी प्राइस आएगी आपको 18,500 रुपये। तो गाइज इसका जो प्राइस है वो 18,500 है ऑफलाइन मार्केट में। और 6128 वाला वेरिएंट था ये जो भैया ने आपको बताया। तो सैमसंग का एक जो फ़ोन है 5G फ़ोन आपको ये देखने को मिल जाएगा। सो गाइज ये सारे फ़ोन थे जो कि सैमसंग की तरफ से आपको देखने को मिल जाते हैं। M32 भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको M32 मिल जाता है तो M32 की तरफ भी जा सकते हैं 4G, जो कि 15,000 के अंदर आपको देखने को मिलता है, वो भी काफ़ी सही फ़ोन है। तो अभी देख लो आप, ये सारे फ़ोन थे। बहुत कम फ़ोन्स हैं मैं पता है, लेकिन ऑफलाइन में आपको इतना ही देखने को मिलते हैं, ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन ही मिल सकते हैं आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो देख लेना आप। और भैया से हम एक बार बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच भैया, आपने सैमसंग के फ़ोन्स बताए सभी लोगों को, तो उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए। तो गाइज अभी हम एक बार भैया से बात कर लेते हैं। तो भैया थैंक यू सो मच, आपने परमिशन दी वीडियो बनाने की और सैमसंग के फ़ोन्स बताए आपने व्यूअर्स को, तो उसके लिए शुक्रिया। और आप कुछ बोलना चाहते हैं व्यूअर्स से तो बोल सकते हैं बिल्कुल लास्ट में। भैया आपके सभी व्यूअर हमारे सेलर मोहित से लगभग संतुष्ट होंगे। और अभी हमने जो मोबाइल बताए सभी उपलब्ध हैं हमारे पास, और जो रेट हमने बताया आपको उसी रेट पे हम उपलब्ध आपको मोबाइल करा देंगे। और सैमसंग में अभी जो हमने फाइनेंस के बारे में बताया था, जिसकी सिविल ना हो, जो पहली बार फाइनेंस करा रहे हो, और जो ऐसा है कि मतलब हमारे क्षेत्र के अराउंडिंग 50 किलोमीटर के बाहर के भी हों, या वो किसी और स्टेट के भी होंगे, उन्हें भी हम फाइनेंस कर देंगे। गाइस आपको भैया ने फाइनेंस का भी थोड़ा आइडिया दे दिया है कि आपको फाइनेंस पे भी यहाँ पे फ़ोन देखने को मिल जाएंगे, जो कि सैमसंग की तरफ से अभी सैमसंग ने लॉन्च किया था सैमसंग फाइनेंस की तरफ से। तो थैंक यू सो मच भैया, और थैंक यू सो मच गाइस, आपने वीडियो देखा और उसके लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए ऑफलाइन मार्केट से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।